हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, हम सब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आए रोज डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हुए देखते हैं। इसी तरह हर कंट्री में एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे हम सब ईद मनाते हैं और इंडिया में लोग दिवाली मनाते हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी कोई ना कोई एक एनुअल फेस्टिवल जरूर सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मनाए जाने वाले कुछ बहुत ही अनोखे फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगा, जो सच में बहुत ही अमेजिंग हैं। आप इनमें से किसी एक फेस्टिवल पर जाना भी जरूर चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल। दोस्तों, ये फेस्टिवल चाइना के शहर हरबिन में सर्दी के मौसम को वेलकम करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का आगाज 1963 में किया गया था। तब सिर्फ चाइनीज लोग ही इस फेस्टिवल को एंजॉय करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को जब इस फेस्टिवल के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे। यहां तक कि 2018 में पूरी दुनिया से 18 मिलियन लोग इस फेस्टिवल पर आए, जिसके चलते ये दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल बन गया। दोस्तों, ये फेस्टिवल ऑफिशियली 5 जनवरी को स्टार्ट किया जाता है और अगले एक महीने तक चलता रहता है। इस फेस्टिवल में बर्फ को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लैंडस्केप्स और स्टैचूज का एक छोटा सा शहर बनाया जाता है। 2020 में तकरीबन 1,00,000 वर्कर्स ने मिलकर 15 दिन के अंदर अंदर इस बर्फ के शहर को तैयार किया था। इन बर्फ से बनाई गई बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स फिट की जाती हैं, जो रात के वक्त बहुत ही शानदार नजारा देती हैं, और ये पूरा शहर जगमगाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, नॉर्मली दुनिया में किसी भी जगह पर जब बर्फ के साथ स्टैचूज बनाए जाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में पिघल जाते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल के बारे में सबसे हैरानकुन बात ये है कि बर्फ से बनाई गई ये बिल्डिंग्स और स्कल्पचर एक महीने से ज्यादा अरसे तक नहीं पिघलती और अपनी असली हालत में रहती हैं। और इसकी वजह ये है कि ये फेस्टिवल जिस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा हर साल दर्जनों चाइनीज जोड़े इस फेस्टिवल में आकर शादी करते हैं। ये फेस्टिवल वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 2, अल्बकर्की इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल। दोस्तों, इस फेस्टिवल का आगाज 1972 में हुआ था। तब इस फेस्टिवल में 13 बड़े बड़े गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए थे, जिनको देखने के लिए 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को जब इस फेस्टिवल के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो लोग इसे काफी पसंद करने लगे, जिसके चलते अब हर साल इस फेस्टिवल में तकरीबन 700 बड़े बड़े बलून्स आसमान की तरफ उड़ाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये फेस्टिवल हर साल न्यू मेक्सिको के एक सिटी अल्बकर्की में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्टार्ट किया जाता है और लगातार अगले 9 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों, ये वाहिद ऐसा फेस्टिवल है जहां दुनिया के बाकी सभी फेस्टिवल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाती हैं। इसके अलावा ये फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा बलून फेस्टिवल है। आपको ये फेस्टिवल कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 3, ईद उल फितर। दोस्तों, इस फेस्टिवल के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये हम सब मुसलमानों का एक मजहबी फेस्टिवल है, जो कि इस दुनिया में रहने वाला हर मुसलमान रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद यकम शवाल को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। पुराने वक्तों में मुसलमान अपने फेस्टिवल्स एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का फरमान मुसलमानों तक पहुंचाया कि मुसलमान हर साल ईदों के मौका पर आपस में खुशियां बखेरें और इस फेस्टिवल को खुशी से मनाएं। दोस्तों, इसके अलावा ईद उल फितर दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। पूरी दुनिया में हर साल जितने लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इससे ज्यादा तादाद में दुनिया में और कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। नंबर 4, मैरियोनेट परेड। दोस्तों, कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल 17 मई 1642 में बना था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग हर साल इस शहर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन 2018 में इस शहर की मैनेजमेंट ने अपने शहर के 375वीं एनिवर्सरी एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट की, जिसमें कुछ जायंट कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर की सड़कों पर एक बहुत ही शानदार एक्ट परफॉर्म किया गया। दोस्तों, ये जायंट कैरेक्टर्स 5 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे थे,
जिनको हरकत करवाने के लिए दर्जनों लोगों की टीम्स एक वक्त में काम कर रही होती थी। ये लोग इन बड़े बड़े पुतलों की रस्सियां खींचकर इन्हें हरकत करवाते थे। दोस्तों, इस एक्ट को रियल में परफॉर्म होते देखना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई फिक्शनल मूवी रोड पर आपके सामने लाइव चल रही हो। इस फेस्टिवल पर बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आने की वजह से लोगों ने इस शहर की मैनेजमेंट से अपील की कि ये फेस्टिवल दोबारा कभी भी इस तरीके से सेलिब्रेट ना किया जाए, जिसके बाद अब इस फेस्टिवल को पुराने तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आपको ये फेस्टिवल देखने में कैसा लगा? क्या आप इसे रियल में देखना चाहेंगे? और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई फेस्टिवल पाकिस्तान में भी हुआ करे तो नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 5, बर्निंग मैन फेस्टिवल। दोस्तों, ये फेस्टिवल भी दुनिया के फेमस फेस्टिवल्स में से एक है, जो कि हर साल यूएसए की एक स्टेट निवाडा में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का आगाज 1986 में किया गया था। तब ये एक फेस्टिवल नहीं बल्कि वहां के लोगों की एक रस्म हुआ करती थी, जिसमें वहां रहने वाले लोग हर साल एक बड़े से आदमी का स्टैचू बनाकर उसे जलाया करते थे और बोनफायर मनाया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये रस्म चेंज होती गई और अब ये एक फेस्टिवल बन चुका है, जो कि हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में अनप्रोफेशनल से लेकर प्रोफेशनल से प्रोफेशनल आर्टिस्ट आते हैं और अपना टैलेंट लोगों को दिखाते हैं। इस फेस्टिवल में इंसान को हर किस्म का टैलेंट देखने को मिलता है, इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस फेस्टिवल में जाते हैं, जैसा कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग भी इस फेस्टिवल में जाकर लोगों का टैलेंट देख चुके हैं। दोस्तों, ये फेस्टिवल 9 दिन तक चलता रहता है और इस फेस्टिवल की सबसे खास बात ये है कि यहाँ आपको बर्फ और कॉफी के अलावा खाने पीने की हर चीज बिल्कुल फ्री मिलती है। बस बदले में आपको कोई भी अच्छी सी स्टोरी या फिर जोक सुनाना पड़ता है। इस फेस्टिवल के फाइनल डे पर एक बड़े से आदमी के स्टैचू को जलाया जाता है और उसके बाद ये फेस्टिवल खत्म हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नाइकी के मेंबर बन जाएं। नंबर 6, ताइवान लैंटर्न फेस्टिवल। दोस्तों, पुराने वक्तों में चाइनीज लोगों पर जब भी कोई बीमारी आती थी या फिर कोई मुसीबत आ जाती थी तो वो लोग इस मुसीबत या फिर बीमारी से निजात हासिल करके आसमान की तरफ लालटेन उड़ाया करते थे, जो कि इस बात का सिग्नल हुआ करता था कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ चाइनीज लोगों का इस चीज पर बहुत पक्का यकीन होता गया और ये इनका अकीदा बन गया कि अगर हम आसमान में लालटेन उड़ाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। और इन लोगों का ये अकीदा अब एक फेस्टिवल बन चुका है, जो कि हर साल ताइवान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल लूनार कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने के पहले 15 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग आसमान की तरफ लालटेन उड़ाते हैं, जिससे इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऐसा करने से हम बिल्कुल सेफ रहेंगे और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। दोस्तों, इस फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 7, चाइनीज न्यू ईयर। दोस्तों, जैसे मुसलमान अपनी ईद की खुशियां नए नए कपड़े पहनकर मजेदार खाने बनाकर और रिश्तेदारों के घर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह चाइनीज लोग अपने न्यू ईयर की खुशियां रिश्तेदारों के घर जाकर मजेदार खाने बनाकर और एक दूसरे को पैसे देकर मनाते हैं। चाइना का सबसे बड़ा फेस्टिवल उनका न्यू ईयर ही होता है, जो कि 21 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के दौरान किसी भी दिन स्टार्ट हो जाता है और अगले 23 दिन तक चाइनीज लोग अपने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, दुनिया न्यू ईयर के मौका पर मुख्तलिफ किस्म के फायरवर्क्स करती है और न्यू ईयर की खुशियां सेलिब्रेट करती है, लेकिन चाइनीज लोग अपने न्यू ईयर को ईद की तरह मनाते हैं और वो भी पूरे 23 दिन के लिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में होने वाले चंद अनोखे फेस्टिवल्स। ईद तो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है और हम पूरा साल इसका वेट करते हैं, लेकिन ईद के अलावा आप इनमें से किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।